उठ रही हैं आवाजें, हम मंदिरों के शिवालयों से ओम की ध्वनि के साथ ये आवाजें भी उठ रही हैं कि एक धर्म के प्रचारकों को दिल्ली सरकार सैलरी दे रही है और बाकी धर्म के प्रचारकों को क्यों नहीं। ये हर मंदिर, हर गुरुद्वारे और हर गिरजाघर से ये आवाज़ें आ रही हैं। क्या आवाज़ें हैं, चलिए आपको उनसे रूबरू कराते हैं, उनकी आवाज़ें क्या हैं वो भी सुन लीजिए और वो लोग क्या चाहते हैं वो भी सुन लीजिए। और क्या नाम आपका? केसरी नंदन पांडे जी। कौन सा मंदिर है ये? ये मुसद्दीलाल मंदिर, धर्मशाला एवं मंदिर, रेलवे रोड जी, नरेला। क्या मांग है आप लोगों की? जी मंदिर में जैसे और लोग हैं भगवान की उपासना में लगे हुए और अन्य लोगों को भी अगर कुछ वेतन दिया जा रहा हो या कुछ उसके एवज में दिया जा रहा हो तो ये हक बनता है, क्योंकि राजा के लिए प्रजा बराबर होती है और हमारी जो सरकार दिल्ली की है वो राजा के आसन पर आसीन है, अतः उसके प्रजा में चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो सारे बराबर दृष्टि से उसे देखना चाहिए। अतः अगर उनको दिया जा रहा है तो ये जितने भी मंदिर के हैं हमारे गरीब ब्राह्मण जो पुजारी लगे हुए हैं तन मन धन से, उनको भी कुछ दिया जाना चाहिए ताकि अपना भविष्य उज्जवल कर सके, अपने परिवार वालों का भी भरण पोषण कर सके, क्योंकि वह इसी पर है। अतः सरकार से और टैलेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज़ सारे यहाँ के मंदिर के जितने भी पुजारी हैं उनकी तरफ से रखना चाहता हूँ कि अगर उनके लिए है ये सब तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं, ऐसा कार्य क्यों करें। राजा जब अनित करता है तो अपने आप पदभ्रष्ट हो जाता है और पाप का भागी होता है। अतः हम यही अनुरोध करेंगे कि सरकार हम लोगों को भी अपनी दृष्टि में रखते हुए और हमारे परिवार को देखते हुए उनके लिए भी कुछ सोचे। हाँ जी, मेरा नाम पंडित जी राधेश्याम है जी। जी राधेश्याम जी, क्या आवाज़ें आ रही हैं आजकल मंदिरों से? आवाज़ ये आ रही है जी कि एक धर्म को तो सैलरी दे रहे हैं, दूसरे धर्म के मंदिर को कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं। जिसको आपत्ति नियम को चाहे उनको भी दें, पर कम से कम सभी मंदिरों में, सभी धर्मों के मंदिरों में सैलरी दिल्ली सरकार को देनी चाहिए। विष्णु कुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, कौन से मंदिर में रहते हैं आप? रघुनाथ मंदिर जी। क्या समस्या है आप लोगों की? नहीं, समस्या हमारे यहाँ कुछ नहीं है, परंतु ऐसा है कि जैसे सबके साथ सबका विकास का नारा लगा हुआ है या सब विधान हमारा एक है, हमारे हिंदू संस्कृति में तो वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, पूरी पत्नी हमारा कुटुंब है, तो सभी के साथ जैसा वातावरण है वैसे सबके साथ होना चाहिए जी। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा धर्म ये सिखाता है हमको कि किसी से कटुता रखो, पर हमारा धर्म की स्थिति यही है कि जैसे सबको लाभ मिल रहा है, जो भी लाभ है, बिजली का है, पानी का है, तनख्वाह का है, तो सभी धर्मों को प्राप्त होना चाहिए, यही हमारी प्रार्थना।